नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। तो आईपीएल का जो पहला मुकाबला नोवा मैच होगा, मतलब आईपीएल 2022 का जो सैटरडे दूसरा सैटरडे होगा उसमें जो पहला मुकाबला होगा वो होगा राजस्थान और मुंबई के बीच। तो इसकी फैंटेसी टीम मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं कि किन 11 खिलाड़ियों पर आप दाव लगा सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग फैंटेसी टीम के बारे में जानने के उत्सुक रहते हैं। तो हमारा ये सेगमेंट भी शुरू हो गया है, तो फटाफट बताने की शुरुआत करते हैं कि किन 11 खिलाड़ियों पर आप दाव लगा सकते हैं दोनों टीमों में से। 11 × 22 दोनों टीमें मैंने लिख ली है। दोनों टीमों में से मैं आपको 11 खिलाड़ी बताऊंगा जिन पर दाव लगा सकते हैं। सबसे पहले विकेट कीपर की बात करते हैं, तो विकेट कीपर के तौर पर आप ईशान किशन को रख सकते हैं। ईशान किशन बहुत बेहतर जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के हिसाब से जो हमने फैक्ट खंगाले हैं उनके हिसाब से ईशान किशन आपको पॉइंट दे सकते हैं। संजू सैमसन भी इधर हैं, संजू सैमसन को भी आप रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है संजू सैमसन से ज्यादा पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि संजू सैमसन से ज्यादा पॉइंट आपको ईशान किशन दे सकते हैं। तो इसीलिए ईशान किशन थोड़े से बेहतर है। बल्लेबाजी के तौर पर जरूर आप संजू सैमसन को रख सकते हैं, क्योंकि दो विकेट कीपर आप चुन सकते हैं, दोनों विकेट कीपर के ऑप्शन होते हैं। बल्लेबाज के तौर पर अगर मैं बात करूं बैट्समैन के तौर पर, तो रोहित शर्मा को आज अपनी टीम में आप ना रखें तो बेहतर होगा। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा आज के मैच में शायद ना चले, क्योंकि सामने ट्रेंट बोल्ट है, राजस्थान की टीम से मैच है, तो ट्रेंट बोल्ट है। गेंदबाजी को देखने के बाद, परखने के बाद आप अपनी टीम बनाएं तो बेहतर होगा, आप धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट जानते हैं रोहित शर्मा की कमी क्या है। तो रोहित शर्मा को अगर आप ना रखें, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट की शुरुआती हो सकता है कि इन स्विंगर आउट स्विंगर में रोहित शर्मा को फंसा दे, ट्रेंट बोल्ट के पास वो काबिलियत है विकेट लेने की। तो रोहित शर्मा को ना रखे तो बेहतर है। आप सूर्य कुमार यादव पर आप दाव लगा सकते हैं। मुंबई की तरफ से सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, ये दो बल्लेबाज मुंबई की तरफ से आप रख सकते हैं। और राजस्थान की तरफ से आप जयसवाल और पडिकल को रख सकते हैं राजस्थान की तरफ से। संजू सैमसन को हमने विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर यहां पर ऑप्शन आपको दिया है। जोस बटलर को आप ना लें तो बेहतर है। मेरे हिसाब से जोस बटलर को अगर आप ना लें तो बेहतर है, शायद जोस बटलर आपको उतने पॉइंट ना दे पाए, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली। संजू जयसवाल और पडिकल, ये दोनों आपको बेहतर खिलाड़ी दे सकते हैं। हेटमायर को आप रख सकते हैं ऑप्शनली, तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। अब ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, ऑलराउंडर्स में आपको पोलार्ड बेहतर पॉइंट दे सकते हैं। मेरे हिसाब से पोलार्ड एक खतरनाक बल्लेबाज है, और ऑलराउंडर में आप पोलार्ड को अपनी टीम में रख सकते हैं। ऑलराउंडर्स में आप पोलार्ड को रख सकते हैं। इधर से आप रियान पराग को रख सकते हैं, तो रियान पराग को आप जरूर रखना, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, अगर राजस्थान पहले बल्लेबाजी करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप रियान पराग से बेहतर हेटमायर को रख लेंगे तो बेहतर होगा। अगर राजस्थान पहले बल्लेबाजी करती है, ध्यान से सुनना, तो आप रियान पराग की जगह हेटमायर की जगह रियान पराग को रख लेना। अगर राजस्थान पहले बल्लेबाजी कर रही है तो आप हेटमायर को रख लेना। राजस्थान बाद में बल्लेबाजी कर रही है तो आप रियान पराग को रख सकते हैं शानदार तरीके से। तो उसके बाद में आप गेंदबाजी की बात आते हैं, तो रियान पराग यहां पर पोलार्ड आ गए हैं। अब बात गेंदबाजी करेंगे तो टाइमल मिल और बुमराह, ये दो गेंदबाज आपको मुंबई से लेने हैं। टाइमल मिल और बुमराह, ध्यान रखना, टाइमल मिल्स और बुमराह, ये दो गेंदबाज आपको मुंबई की टीम से लेने हैं। राजस्थान की टीम से आप ट्रेंट बोल्ट को बिल्कुल मत चूकना, अपनी टीम में ट्रेंट बोल्ट को जरूर लेना, वाइस कैप्टन बना देंगे तो बहुत होगा, बहुत बेहतर होगा मेरे हिसाब से ट्रेंट बोल्ट। और अगर ट्रेंट बोल्ट, उसके बाद में अश्विन, एक अगर देखिए यहां पर अश्विन, प्रसिद्ध कृष्णा भी बेहतर ऑप्शन है, लेकिन यहां पर आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। अश्विन को चुनने से पहले आप एक चीज देखना, अगर राजस्थान पहले गेंदबाजी कर रही है तो अश्विन को आप ले लेना, दो अगर राजस्थान बाद में गेंदबाजी करिए, टॉस का थोड़ा सा अहम होने वाला है, टॉस को समझिएगा, टॉस को समझने के बाद तब अपनी टीम बनाइएगा, आप धोखा नहीं खाएंगे। अगर राजस्थान, दोबारा सुन लीजिएगा, अगर राजस्थान पहले गेंदबाजी कर रही है तो अश्विन को मत लेना, अश्विन को ले लेना अगर राजस्थान पहले गेंदबाजी कर रही है। अगर राजस्थान बाद में गेंदबाजी कर रही है, क्योंकि ड्यू का असर हो जाता है, तो अश्विन की जगह आप ऑलराउंडर ले सकते हैं, जो नाथन कुल्टर नाइल हो सकता है कि आपको खेलते हुए नजर आए।
जिमी निशम आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं नाथन कोल्टन नाइल की जगह। तो जो ऑलराउंडर है आप इसको ले सकते हैं बाद में अगर गेंदबाजी राजस्थान कर रही है। उसी तरीके से अगर मुंबई पहले गेंदबाजी कर रही है तो एक स्पिनर को आप रख सकते हैं। आपके पास यहाँ पर मुर्गन अश्विन है, आप मुर्गन अश्विन को मौका दे सकते हैं। अगर इन दोनों डेनियल सैम टिम डेविड में से भी किसी एक खिलाड़ी को रख सकते हैं, दोनों गेंदबाजी कर लेते हैं तो यहाँ भी इन दोनों में से किसी एक को आप चुन सकते हैं। अब मेरे हिसाब से डेनियल सैम या टिम डेविड, शायद अगर डेनियल सैम को आप रख लेंगे तो बेहतर होगा। डेनियल सैम एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर मुंबई बाद में गेंदबाजी कर रही है तो आप एक तेज गेंदबाज को रख सकते हैं, बासिल थम्पी। आप इन तीनों तेज गेंदबाजों के साथ चले जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। अगर मुंबई बाद में गेंदबाजी कर रही है तो तीनों तेज गेंदबाज बासिल थम्पी, बुमराह और टाइमर मिल, ये तीनों के तेज गेंदबाजों के साथ चले जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। अब टीम क्या हुई, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, पोलार्ड, चार तीन सात चार, और इनमें से दो हो जाएंगे तो चार और दो छः, इधर से भी आप पांच ले सकते हैं। जयसवाल, पडिकल, रियान पराग तीन, उसके बाद में ट्रेंट बोल्ट के साथ में एक आप बल्लेबाज ऊपर चुन सकते हैं। अगर पहले संजू सैमसन है तो संजू सैमसन को ले सकते हैं या फिर हेटमायर को ले सकते हैं। तो ये एक टीम आपकी हो सकती है जो बेहतर होगी। दोबारा समझा देता हूँ, विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन को जरूर रखें, बिल्कुल पक्का ईशान किशन को रखें। बैट्समैन के तौर पर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा को जरूर रखें, इधर से जयसवाल और पडिकल को जरूर रखें। ऑलराउंडर के तौर पर पोलार्ड को जरूर रखें, इधर से आप देख लेना अगर पहले रियान पराग को रख लेना, बेहतर आपको मौका है, अच्छे पॉइंट्स आपको रियान पराग दे सकते हैं, बल्लेबाजी का बेहतर ऑप्शन है, गेंदबाजी भी कर लेते हैं। इधर से आप बुमराह, टाइमर मिल को गेंदबाजी में जरूर रखें, इधर से ट्रेंट बोल्ट को बिल्कुल ना चूके, ट्रेंट बोल्ट को अपनी गेंदबाजी में जरूर रखें। प्रसिद्ध किसना को रख लेंगे तो बेहतर होगा, एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर पहले गेंदबाजी करिए राजस्थान तो आप अश्विन को रख सकते हैं। तो ये एक फैंटेसी टीम थी जो हमने आप लोगों को बताई है। आप लोग क्योंकि फैंटेसी टीम के लिए लगातार बातें करते हैं, लगातार हम लोगों से मांग करते हैं, तो फैंटेसी टीम है, ध्यान से सुने कि टॉस को पहले होने दें, टॉस के बाद अपनी टीम बनाएं तो बेहतर होगा, आप धोखा नहीं खाएंगे, समझ कर बनाएं। क्योंकि बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम को स्पिनर ना रखें तो बेहतर है, क्योंकि ओस का असर होता है, ओस में स्पिनर्स को गेंद ग्रिप नहीं करती है। तो इसलिए अगर आप बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम में स्पिनर ना रखें, एक तेज गेंदबाज रख लें, ऑलराउंडर तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर रख लें तो बेहतर है आपके लिए चांसेस। और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को थोड़ा सा एज होता है, शुरुआत का बल्लेबाज हो सकता है जल्दी आउट हो जाए, तो बाद में बीच के बल्लेबाजों पर आप दाव लगा सकते हैं। तो ठीक है, अपनी प्लेइंग 11 भेजिए जो फैंटेसी लीग की है, और हमारी फैंटेसी लीग आपको अच्छी लगी तो कमेंट में लाइक और शेयर जरूर कर देना, और वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।